हेलो बच्चों, दोस्तों सही दिशा में उठा हर कदम अपने आप में एक मंजिल है। ए मुसाफिर ध्यान से देख, ए मुसाफिर ध्यान से देख, कामयाबी तेरे कदमों में है, कामयाबी तेरे कदमों में है। दोस्तों मूल कॉन्सेप्ट की मायावी दुनिया में एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है आपने मूल कॉन्सेप्ट में अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना ली होगी। आइए कड़ियों को जोड़ते हुए आगे चलते हैं और कुछ और टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। आपकी ही रिक्वेस्ट पर इस सेशन को मैंने अरेंज किया है और आपको मूल कॉन्सेप्ट में और ज्यादा कंफर्टेबल बनाना है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पॉसिबल है। देखिए क्वेश्चन का टाइप क्या होगा ये हम पहले भी देख चुके हैं और आज इस सेशन में एक बार फिर से एक बेहतरीन अंदाज में देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहला टॉपिक जो हमें आज के सेशन में जानना है, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कैसे होती है। मॉलिक्यूल से रिलेटेड हमें काफी सारी बातें करनी है, मोल कॉन्सेप्ट की तो बातें करनी ही है, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम मॉलिक्यूलर मास की बात सबसे पहले हमें करनी है। यानी मोल को हम डिस्कस करेंगे, मॉलिक्यूल से रिलेटेड भी काफी सारी बातें हमें आज के सेशन में कवर करनी है। देखिए मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का क्या मीनिंग है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास हमें कब मिलता है। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास तब मिलता है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास तब मिलता है जब नंबर ऑफ एटम्स मिनिमम है। नंबर ऑफ एटम्स शुड बी मिनिमम, नंबर ऑफ एटम्स मिनिमम है उस केस में हमें मिलता है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। देखिए मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स आपको या तो गिवन होंगे या फिर आप मिनिमम नंबर एटम्स का वन कंसिडर कर लेंगे। या तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स गिवन होंगे या फिर आप नहीं गिवन होंगे, तो एटम के मिनिमम नंबर को आप क्या मान लेंगे, वन मान लेंगे। और इस प्रकार से बेहतरीन अंदाज में कैलकुलेशन करते हुए आप फाइनल आंसर तक पहुंच ही जाएंगे। चलिए मिनिमम मॉलिक्यूलर मास को और बारीकी से अंडरस्टैंड करना है तो इसके लिए हमारे सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के कॉन्सेप्ट को कैसे हमें यूज करना है, आइए इसकी बात करें। सबसे पहले स्टेटमेंट को हमें अंडरस्टैंड करना होगा। क्या स्टेटमेंट गिवन है, द सोडियम सोल्ट ऑफ मिथाइल ओरेंज हैज 7% सोडियम बाय मास, व्हाट इज द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। देखिए कंपाउंड का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा इसकी हमें बात करनी। सबसे पहले हमें मिनिमम मॉलिक्यूलर मास को कंसिडर करना होगा। देखिए क्या कैपिटल एम, लेट मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड बी कैपिटल एम। कैपिटल एम हमने मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इस कंपाउंड का कंसिडर कर लिया है। अब इसमें सोडियम एटम्स का नंबर क्या होगा, या तो नंबर गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो हम नंबर वन मान लेंगे। वन से कम तो एटम का पार्ट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है, एटम का कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, एटम होल नंबर में ही होंगे। और मिनिमम नंबर क्या कंसिडर करेंगे, जो कि होल नंबर हो, ये हम वन ही कंसिडर करेंगे। उम्मीद है यह आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर यहां पर एटम का नंबर 2, 3, 4, 5 ऐसे कुछ गिवन होता मिनिमम नंबर, तो हम उसको कंसिडर कर लेते। अगर ऐसा नहीं है, हमें एटम्स का नंबर गिवन नहीं है, तो उस केस में नंबर ऑफ एटम को हम वन ही मान लेंगे। देखिए कैपिटल एम इसका मिनिमम मॉलिक्यूलर मास है और इसका 7% सोडियम है, यानी एम इंटू 7/100 7% सोडियम का मास है। ये क्या होगा, मास ऑफ सोडियम होगा। और सोडियम का नंबर पर मॉलिक्यूल क्या है, वन है। वन सोडियम का मास क्या होगा, इसके एटॉमिक मास से इसको इंडिकेट किया जा सकता है, ये होगा 1 × 23। अगर इसका नंबर वन है तो देखिए एटॉमिक मास से हमने मिनिमम मास को इंडिकेट कर लिया है। मिनिमम मास सोडियम का हमने परसेंटेज से इंडिकेट किया, एटॉमिक मास को यूज करने से इंडिकेट किया,
तो यहां से हमें कैपिटल एम मिल जाएगा। देखिए कैपिटल एम क्या होगा, ये होगा 23 × 100/7, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा 329 के। और 329 हमें कौन से ऑप्शन में गिवन है, ये हमें सी ऑप्शन में गिवन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। इस टाइप के कॉन्सेप्ट की और ज्यादा प्रैक्टिस के लिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन हमारे सामने है जिसमें हीमोग्लोबिन दिया है। आई होप हीमोग्लोबिन का नाम तो आपने सुना होगा ही, जिसमें आयरन की मास परसेंटेज 0.33 है। देखिए मिनिमम मॉलिक्यूलर मास आपको कैलकुलेट करना है। एक बार फिर से हम मिनिमम मॉलिक्यूलर मास को कैपिटल एम अज्यूम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कैपिटल एम एएमयू ये हमने कंसीडर किया है और इस कैपिटल एम का 0.33% आयरन का मास है। तो देखिए कैपिटल एम इंटू 0.33/100 ये क्या होगा, ये होगा मिनिमम मास ऑफ आयरन इन वन मॉलिक्यूल। देखिए मॉलिक्यूलर मास की कोरस्पोंडिंग एक मॉलिक्यूल में आयरन का मिनिमम मास क्या होगा, ये देखिए कैपिटल एम का हमने 0.33% लिया है, ये क्या होगा मिनिमम मास ऑफ आयरन इन वन मॉलिक्यूल। अगर आयरन का मिनिमम नंबर नहीं गिवन है तो इस केस में हम आयरन एटम के नंबर को क्या मान लेंगे, वन मान लेंगे। वन एटम का मास एटॉमिक मास क्या होगा, ये हम जानते हैं 56 होता है, आयरन के एक एटम का मास 56 होता है, इसको हमने मिनिमम मान लिया है। तो देखिए इसके कोरस्पोंडिंग कैलकुलेशन करने के बाद जो हमें कैपिटल एम मिल पाएगा ये होगा मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। आई होप आपने इसको सिंप्लीफाई किया होगा। सिंप्लीफाई करने के बाद ये देखिए क्या मिलता है, 16969.69 AMU, ये होगा इसका फाइनल आंसर। जल्दी से इसको नोट कीजिए। देखिए हीमोग्लोबिन के मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के बाद अब बारी है इंसुलिन के मिनिमम मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने की, जिसमें 3.4% सल्फर बाय मास है। जल्दी से कैपिटल एम हमें इंसुलिन के मिनिमम मॉलिक्यूलर मास को कंसिडर करना होगा और इसका 3.4% सल्फर का मास है, मास ऑफ सल्फर इन वन मॉलिक्यूल। देखिए सल्फर एटम्स का नंबर गिवन नहीं है तो इस केस में मिनिमम नंबर क्या मान लेंगे, वन मान लेंगे। और वन सल्फर एटम का मास क्या होगा एक मॉलिक्यूल में, ये 32 होगा, एटॉमिक मास होगा, यानी इसको इक्वेट करना होगा 32 × 1 से। m × 34/100 = 32 × 1। यहां से कैपिटल एम हमें क्या मिल पाएगा, ये मिल पाएगा 32 × 100/ देखिए 3.4 को हमने 34 लिख लिया तो यहां पर एक जीरो एक्स्ट्रा आएगी तो 1000 होगा, ये 1000 होगा, डिवाइड बाय 34। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए हमें मिनिमम मॉलिक्यूलर मास क्या मिल पाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 941 मिल पाएगा। ऐसा हमें कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऐसा हमें ए ऑप्शन में गिवन है, तो ए ऑप्शन हुआ इसका राइट आंसर। अब देखिए इस टाइप के और क्वेश्चंस को हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए होमवर्क है, क्लास में सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये आप खुद ट्राई जरूर करेंगे और आप इसको कमेंट सेक्शन में जाकर राइट आंसर को जरूर पोस्ट करेंगे ताकि ये पता चल पाए कितने स्टूडेंट्स ने ऐसे क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर लिया है। देखिए इसका फाइनल आंसर क्या होगा, आपको गिवन है कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज गिवन है, यहां पर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास की बात करनी है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसके राइट आंसर तक पहुंच पाएंगे, ये है इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं, और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक और क्वेश्चन आपके सामने है, क्लोरोफिल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए इसका मास आपको क्या मिलता है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन के बाद आपको मिलता है 895.2 AMU। आई होप आप भी इसके फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। जल्दी से नोट कीजिए क्वेश्चन क्या है,
आगे चलते हैं, ये भी आपके लिए क्या है, होमवर्क है। उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने के बाद आप इन क्वेश्चंस को जो होमवर्क में दिए गए हैं इनको आसानी के साथ सोल्व कर पाएंगे और फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे। देखिए एक और स्लाइटली डिफरेंट क्वेश्चन हमारे सामने है। होमवर्क को आपने नोट कर लिया होगा, जल्दी से इस क्वेश्चन को रीड करें, क्या डेटा गिवन है और क्या इस क्वेश्चन में बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है। देखिए कैफीन आपको गिवन है, इसका मॉलिक्यूलर मास 194 है और इसमें नाइट्रोजन की मास परसेंटेज 28.9 है। हमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कैफीन कैलकुलेट करने हैं। देखिए मॉलिक्यूलर मास 194 है, नाइट्रोजन की मास परसेंटेज है, अगर हम इस मॉलिक्यूलर मास को इस मास परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या मिलता है, ये हमें मास ऑफ नाइट्रोजन इन वन मॉलिक्यूल मिलता है, एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का मास मिलता है इसकी मास परसेंटेज से। क्लियर है बात। अब देखिए नाइट्रोजन के एटम्स मान लेते हैं स्मॉल एन होंगे, तो एटॉमिक मास से नाइट्रोजन एटम्स का मास क्या होगा, ये होगा एन इंटू 14। ये 14 क्या है, एक एटम का मास एटॉमिक मास है। अगर एटम्स का नंबर स्मॉल एन है तो स्मॉल एन एटम्स का मास क्या होगा, ये होगा 14 इंटू एन। आई होप ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। और ये मास हमें मास परसेंटेज से भी मिलता है। अब ये नाइट्रोजन एटम्स का ही मास है जो वन मॉलिक्यूल कैफीन के अंदर प्रेजेंट है, तो इन दोनों को इक्वेट करने से आसानी के साथ हम स्मॉल एन कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए जल्दी से हमें स्मॉल एन को कैलकुलेट करना है। स्मॉल एन क्या होगा, यहां से इसको सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए स्मॉल एन क्या मिलता है, 194 इंटू 28.9 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 14। 14 हमें लेफ्ट साइड लेकर जाना होगा, तो 100 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाइड हो, किस प्रकार से, इस प्रकार से 100 के साथ मल्टीप्लाइड होगा। और यहां से इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये स्मॉल एन हमें क्या मिलता है, ये 4 मिलता है, यानी 4 नाइट्रोजन एटम्स वन मॉलिक्यूल कैफीन में प्रेजेंट होंगे। आइए अब मिनिमम मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड तो हमारा डिस्कशन कंप्लीट होता है, अब हमें मोलर मास को जानना है। देखिए इसमें काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, मोलर मास तो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, अब दोबारा मोलर मास क्यों कैलकुलेट करेंगे, ये हम कैलकुलेट करने वाले हैं मॉलिक्यूल्स के लिए। पहले हमने एटम्स के लिए मोलर मास कैलकुलेट किया था, अब हमें बात करनी है मॉलिक्यूल्स के मोलर मास की। जिस प्रकार से हमने एटम्स के मोलर मास को डिफाइन किया था ठीक उसी प्रकार से मॉलिक्यूल्स के मोलर मास को डिफाइन किया जाएगा। और एटम्स के मोलर मास को ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार से मोलर मास मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। आइए डेफिनेशन से मिलते हैं, उसके बाद बारीकी से बात करेंगे किस प्रकार से इसको कैलकुलेट किया जाएगा। डेफिनेशन क्या है, द मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल्स और एनए मॉलिक्यूल्स और 6.022 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स, यानी एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा उसे हम क्या बोलेंगे, मोलर मास। और यह ध्यान रखना है ये मास हमें ग्राम में कैलकुलेट करना है, इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। देखिए मॉलिक्यूलर मास को आप जानते हैं, एक मॉलिक्यूल का मास, लेट मॉलिक्यूलर मास और मास ऑफ वन मॉलिक्यूल बी कैपिटल एम एएमयू, एक मॉलिक्यूल का मास ये है और वन एएमयू कितने ग्राम की इक्वल है, 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम की इक्वल है। तो इस प्रकार से मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में कन्वर्ट किया जा सकता है, इस कैपिटल एम को 1.66 × 10⁻²⁴ से मल्टीप्लाई करना होगा, ये हमें क्या मिलता है, ये हमें मॉलिक्यूलर मास ग्राम में मिलता है। कैलकुलेट क्या करना है, मोलर मास यानी कितने मॉलिक्यूल्स का मास हमें कैलकुलेट करना है, इसके लिए यूनिटरी मेथड अप्लाई करना होगा। वन बनाना 5 रुपीज का आता है,
तो 10 कितने के आएंगे, 50 के आएंगे। एक ऐसा ही मेथड हमें इसके लिए अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है देखिए, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल क्या है ग्राम में, कैपिटल एम इंटू 1.66 इंटू 10 रेस टू पावर -24 ग्राम है। एक मॉलिक्यूल का मास ग्राम में यह है। एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी 6.022 इंटू 10 रेस टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स का मास क्या होगा, इतने मॉलिक्यूल्स का मास होगा m इंटू 1.66 इंटू 10 रेस टू पावर -24 इंटू 6.022 इंटू 10 रेस टू पावर 23। इतने मॉलिक्यूल्स के मास के लिए हमें इस एवोगैड्रो नंबर से इस मॉलिक्यूलर मास को मल्टीप्लाई करना होगा। अब एवोगैड्रो जी इतने समझदार थे, इतने चालाक थे, उनको पता था जब ये एन ए मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, किसके साथ, 1.66 इंटू 10 रेस टू पावर -24 के साथ, तो ये मल्टीप्लीकेशन क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। ये तो बिल्कुल जादू जैसा हो जाएगा। जी हाँ, कैलकुलेशन आसान करनी थी इसलिए एवोगैड्रो ने दिमाग लगाया, आप भी दिमाग लगा सकते हैं। m इंटू 1 क्या मिलता है, यहां से आपको मिलता है m इंटू 1 m ग्राम। देखिए यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, मॉलिक्यूल से रिलेटेड हम जानते हैं कैपिटल m amu को, मॉलिक्यूलर मास यानी मास ऑफ वन मॉलिक्यूल को, और हम जानते हैं कैपिटल m ग्राम को जो कि मोलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो कि मास है, कितने मॉलिक्यूल्स का, वेरी गुड, ये मास है 6.022 इंटू 10 रेस टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स का, मास ऑफ 6.022 इंटू 10 रेस टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स का मास। ज्यादा तो यही होगा, मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, एनए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वन मोल मॉलिक्यूल्स, इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, एनए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वन मोल मॉलिक्यूल्स है, इतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स का मास यानी मोलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ज्यादा होगा। मॉलिक्यूलर मास तो वन मॉलिक्यूल का मास होता है, ये कम होगा, क्या होगा, यूनिट देखिए कैपिटल एम होगा, न्यूमेरिकली तो सेम होगा लेकिन यूनिट क्या होगी, यूनिट डिफरेंट होगी। यही माया थी एवोगैड्रो की, उसको पता था हमें वन मोल एक ऐसे नंबर को लेना है ताकि वन मोल मॉलिक्यूल्स के मास के लिए हमें 1.66 इंटू 10 रेस टू पावर -24 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना हो ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। चालाक था एवोगैड्रो, उसको पता था इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, हमें मल्टीप्लीकेशन 1 मिल जाएगी, और m इंटू 1 क्या है, m ग्राम है। आई होप मोलर मास ग्राम मोलिकुलर मास की कैलकुलेशन में आपने महारत हासिल कर ली है, और आपको अगर ये पता है मोलिकुलर मास m amu है तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स और 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स और na मॉलिक्यूल्स का मास क्या होगा, m ग्राम होगा। देखा कितने बेहतरीन अंदाज में एवोगैड्रो ने यहां मॉलिक्यूलर मास से मोलर मास की बात की है, क्या यूज किया, 1 मोल 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 पार्टिकल्स के इक्वल है। इस नंबर को यूज करते हुए, इस नंबर को एक मॉलिक्यूल के मास से मल्टीप्लाई करते हुए ग्राम में कन्वर्ट करते हुए बेहतरीन अंदाज में m amu से m ग्राम ट्रांसफॉर्म किया, क्या मोलर मास, m amu क्या था, मॉलिक्यूलर मास था, एक मॉलिक्यूल का मास था, और ग्राम में मोलर मास कैपिटल m ग्राम हमें मिलता है। उम्मीद करता हूं पूरी कहानी आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। तो बारी है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स की। जिन फॉर्मूलाज को आपने एटम्स के लिए यूज किया था ठीक उसी प्रकार से उन्हीं फॉर्मूलाज को मॉलिक्यूल्स के लिए भी यूज किया जाएगा। जी हाँ, आपके दिमाग में डाउट होगा कि एटम्स के लिए हमने यूज किया था, एटम्स के लिए कैलकुलेशन करने के बाद, जी हाँ उसी प्रकार से हम यहां पर
मॉलिक्यूल्स के लिए उन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करेंगे कैलकुलेशन के बाद ही। देखिए नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन के लिए जो फॉर्मूला आपने एटम्स के लिए यूज किया था वही फॉर्मूला यहां मॉलिक्यूल्स के लिए भी यूज होगा। गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास इन ग्राम, मोलर मास तो ग्राम में होता ही है, ये आपको ध्यान रखना है। गिवन मास ग्राम में होना चाहिए, अगर ग्राम में नहीं है तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। आइए बात करें ये फॉर्मूला हमें मिलता कहां से है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास की कैलकुलेशन तो आपने देखी होंगी, देखिए उसके ही रिजल्ट को यूज करते हुए इस फॉर्मूला तक पहुंचना है और ये कॉन्फिडेंस हमें गेन करना है जो फॉर्मूलाज एटम्स के लिए यूज होते हैं उन फॉर्मूलाज को मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। देखिए मोलर मास कैपिटल एम हो, अगर मास मोलर मास हो, अगर मास हो मोलर मास के इक्वल और ये हो कैपिटल एम ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे उस केस में। देखिए मोलर मास एक मोल का मास होता है, मोलर मास एक मोल का मास होता है। अगर मोलर मास कैपिटल एम ग्राम है, मास मोलर मास के इक्वल है, तो नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, वेरी सिंपल वन मोल होंगे, क्लियर है बात। अगर मास वन ग्राम है तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, वन बाय कैपिटल एम। अगर मास आर्बिट्री मास एक्स ग्राम है तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, यूनिटरी मेथड से हम देख चुके हैं वन बाय एम को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा। और नंबर ऑफ मोल्स यहां पर हमें एक बेहतरीन अंदाज में देखिए क्या मिलते हैं, एक्स है आर्बिट्री मास, ये कोई भी गिवन मास हो सकता है, डिवाइडेड बाय मोलर मास कैपिटल एम, इससे हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। यानी फॉर्मूला नंबर वन जो एटम्स के नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है वही फॉर्मूला मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए भी यूज होता है। बिल्कुल किफायती फॉर्मूला है, इसको आसानी के साथ मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। देखिए मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें बात करनी है फॉर्मूला नंबर टू की। फॉर्मूला नंबर टू भी वैसा ही होगा जैसा एटम्स के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आप देख चुके हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एन ए और 6.022 इंटू 10^23। ये पार्टिकल्स क्या होंगे, ये पार्टिकल्स इस बार होंगे मॉलिक्यूल्स। अगर एटम्स के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हो तो पार्टिकल्स क्या होंगे, एटम्स होंगे। आई होप आपने फॉर्मूला नंबर टू को भी अंडरस्टैंड कर लिया है। देखिए ये फॉर्मूला आता कहां से है इसकी भी हमें बारीकी से बात करनी है। इसके लिए हमें मोल कॉन्सेप्ट के बिल्कुल बेसिक पार्ट को या रिवाइज करना होगा। हम जानते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर इक्वल हो 6.022 इंटू 10^23 के, या इतने पार्टिकल्स हमारे पास हो तो इतने पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, इस नंबर को क्या बोलते हैं, ये नंबर क्या है, ये वन मोल है। यानी कितने नंबर ऑफ मोल होंगे, वन मोल होगा। देखिए एन ए पार्टिकल्स हैं, वन मोल होगा, एन ए मॉलिक्यूल्स हैं, वन मोल होगा। आई होप ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। अब देखिए पार्टिकल का नंबर वन हुआ तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, 1/6.022 इंटू 10^23। अगर पार्टिकल्स का नंबर यानी मॉलिक्यूल्स का नंबर कोई भी आर्बिट्री नंबर y हुआ तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स y हुए तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, 1/6.022 इंटू 10^23 इंटू y। देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स y है, आर्बिट्री नंबर y है, यानी कितने भी हो सकते हैं, क्वेश्चन चेंज होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल्स चेंज होंगे, डिवाइडेड बाय n ए 6.022 इंटू 10^23। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करने पर हमें देखिए क्या मिलते हैं,
नंबर ऑफ मोल्स मिलते हैं। इस प्रकार से नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एन ए से डिवाइड करते हुए हमने नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स के कैलकुलेट कर लिए हैं। आई होप आपने फॉर्मूला नंबर 2 को बेहतरीन अंदाज में इस यूनिटरी मेथड की हेल्प से अंडरस्टैंड कर लिया है। अब बारी है फॉर्मूला नंबर 3 की। देखिए फॉर्मूला नंबर 3 गैसेस के लिए यूज होता है। इस फॉर्मूला को भी आप पहले ही देख चुके हैं एटम्स के केस में, यानी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेशन के फॉर्मूला नंबर 1, 2, 3 जो आपने एटम्स के केस में डिराइव किए हैं, ठीक उसी प्रकार से हमने मॉलिक्यूल्स के लिए भी डिराइव किए हैं। अब हम थर्ड फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं थर्ड फॉर्मूला है क्या। देखिए नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन के लिए, नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन के लिए गैसेस के केस में वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी कंडीशन, और ये वॉल्यूम लीटर्स में होनी चाहिए, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी कंडीशन डिवाइडेड बाय 22.7 लीटर्स। देखिए इस प्रकार से आपको नंबर ऑफ मोल्स मिलते हैं गैस के केस में, गैस की वॉल्यूम को जो कि एसटीपी कंडीशन पर मेजर की गई है लीटर में है, इसको डिवाइड करना है 22.7 से, और 22.7 से डिवाइड करने के बाद आपको उस पर्टिकुलर गैस के नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। ऐसा तो हमने एटम्स के केस में भी किया था, ऐसा मॉलिक्यूल्स के केस में भी होता है। इस फॉर्मूला को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको अंडरस्टैंड करना होगा ये एसटीपी क्या है, इसकी ऑलरेडी बात हो चुकी है, आइए एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। एसटीपी क्या है? एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। इस कंडीशन के अंदर अगर बात की जाए टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर क्या होगा? प्रेशर होगा 1 bar। क्लियर है बात? देखिए इस एसटीपी कंडीशन पर 0 डिग्री सेल्सियस पर एंड 1 bar प्रेशर पर 1 मोल गैस की वॉल्यूम क्या होती है, सबसे पहले हमें इसकी बात करनी होगी, तभी हम इस फॉर्मूला को डिराइव कर पाएंगे और बारीकी से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज 22.7 फॉर 1 मोल एट एसटीपी कंडीशन। देखिए गैस कोई भी हो आइडियल गैस है, तो उस गैस के 1 मोल की वॉल्यूम एसटीपी कंडीशन पर क्या होगी? 22.7 लीटर होगी, 22.7 लीटर्स एट एसटीपी कंडीशन। गैस कोई भी हो, NH3 हो, CH4 हो, H2O2, N2, कोई भी गैस हो, अगर हम आइडियल बिहेवियर को कंसिडर करते हैं तो 1 मोल गैस की वॉल्यूम क्या होगी? 22.7 लीटर्स होगी। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। अगर 1 मोल गैस की वॉल्यूम 22.7 लीटर्स होगी, तो आइए वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल के रिलेशन को यहां बेहतरीन अंदाज में एस्टेब्लिश करते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस अगर 22.7 लीटर्स है, तो इसके कोरस्पोंडिंग कितने नंबर ऑफ मोल होंगे? देखिए 1 मोल गैस की वॉल्यूम एसटीपी कंडीशन पर 22.7 होती है। अगर हम रिवर्स बात करें, 22.7 लीटर्स अगर वॉल्यूम है एसटीपी कंडीशन पर, तो कितने मोल की होगी? अभी हमने बात की ये वॉल्यूम होगी 1 मोल की, 1 मोल गैस की वॉल्यूम होगी 22.7 लीटर्स। गैस कोई भी आइडियल गैस हो, 1 मोल अगर गैस का है, तो वॉल्यूम आपको क्या मिलती है? 22.7 लीटर्स मिलती है। अब देखिए वॉल्यूम 1 लीटर होगी, तो नंबर ऑफ मोल क्या होंगे? 1/22.7 होंगे। अगर वॉल्यूम हुई जेड लीटर्स, आर्बिट्री वॉल्यूम जेड लीटर्स वॉल्यूम है, तो देखिए
इसके कोरस्पोंडिंग नंबर ऑफ मोल्स क्या मिलते हैं, 1/22.7 इंटू जेड, ये नंबर ऑफ मोल्स मिलते हैं मॉलिक्यूल्स के लिए। यानी फॉर्मूला हमने एक बेहतरीन अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, जेड क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.7 लीटर्स, ये क्या होंगे, ये नंबर ऑफ मोल्स होंगे। आई होप इसको आपने भी अंडरस्टैंड किया होगा। काफी बुक्स में यहां पर 22.4 गिवन है, लेकिन एसटीपी कंडीशन पर क्या होता है, 22.7 ही होता है। 22.4 कब मिलता है, ध्यान से देखिए, जिस फॉर्मूला को हमने एटम्स के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यूज किया था, ठीक उसी फॉर्मूला को एक बार फिर से यूज करना होगा मॉलिक्यूल्स के लिए। वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स, इसी फॉर्मूला को हम मॉलिक्यूल के लिए भी यूज कर सकते हैं। आई होप आपने इसको काफी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। पहले ही एटम्स में इसके बारे में पूरी डिटेल, पूरी बारीकी से बात हो चुकी है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो एटम्स के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के जो 3 फॉर्मूलाज मैंने बताए थे उनके साथ में इस फॉर्मूला के डेरिवेशन की बात भी की जा चुकी है, वहां से आप इस पार्ट को रेफर कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के मेजर 3 फॉर्मूलाज हैं। अगर इन तीनों ही फॉर्मूलाज को इक्वेट कर दिया जाए तो क्या माया आपके सामने होगी, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के सेम सब्सटेंस के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूलाज हैं। देखिए, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये क्या है, ये फॉर्मूला नंबर 1 है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एन ए, ये फॉर्मूला नंबर 2 है। वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.7, ये फॉर्मूला नंबर 3 है। इनसे रिलेटेड देखिए कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, आइए पूरी बात करते हैं। देखिए, एक टाइप तो ये पॉसिबल है डायरेक्टली मास पुट किया जाए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पुट किए जाए, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स एट एसटीपी कंडीशन पुट की जाए और हम नंबर ऑफ मोल्स को आसानी के साथ कैलकुलेट कर पाए, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी देखिए क्या है, ऐसा भी हो सकता है आपको मास गिवन हो और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हो, उस केस में फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 2 को इक्वेट करना होगा और यहां पर मास पुट करना होगा, आसानी के साथ नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है मास गिवन ना हो, पार्टिकल्स का नंबर पता हो, पार्टिकल्स के नंबर को पुट करने के बाद हम मास कैलकुलेट कर पाएंगे। इस प्रकार से फॉर्मूला 1 एंड फॉर्मूला 2 को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक इसी प्रकार से फॉर्मूला 1 एंड फॉर्मूला 3 को भी इक्वेट किया जा सकता है। देखिए, मास गिवन है, एसटीपी कंडीशन पर गैस की वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करनी है, तो 1 एंड 3 को इक्वेट करने से, मास को पुट करने से आसानी के साथ वॉल्यूम कैलकुलेट की जा सकती है। अगर वॉल्यूम गिवन है तो हम मास कैलकुलेट कर पाएंगे फॉर्मूला 1 एंड 3 को इक्वेट करने से। अब बारी है फॉर्मूला 2 एंड 3 को इक्वेट करने से क्या मिलता है, पार्टिकल्स का नंबर पुट करने से आसानी के साथ वॉल्यूम कैलकुलेट की जा सकती है एसटीपी कंडीशन पर, और वॉल्यूम पुट करने से नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट किए जा सकते हैं। इस प्रकार से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के इन 3 फॉर्मूलाज को हमने बेहतरीन अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया है, पूरी माया को जानेंगे क्वेश्चंस में। जल्दी से इन 3 फॉर्मूलाज को याद करें और एक साथ याद करें, 3rd फॉर्मूला की एक खास बात है, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड ओनली फॉर आइडियल गैसेस गैसेस के लिए यूज करना होगा एट एसटीपी कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पर यूज करना होगा। आई होप ये आपने याद कर लिया है, अगर इसको आप याद कर चुके हैं चलिए एप्लीकेशन पार्ट की तरफ मूव करते हैं। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉलोइंग, कुछ क्वांटिटीज आपको गिवन है,
इनके नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करने हैं। देखिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट किए जा सकते हैं, सबसे पहले बात करेंगे पार्ट वन की। 128 ग्राम ऑफ SO2, इसके नंबर ऑफ मोल्स की बात करनी है। मास गिवन है, यानी अप्लाई करना होगा गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। SO2 का मोलर मास क्या है, देखिए मोलिकुलर मास की बात करते हैं, इससे हम आसानी के साथ मोलर मास यहां पुट कर पाएंगे। सल्फर का एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, ऑक्सीजन का नंबर 2 है, इंटू 2, इससे हमें SO2 का मोलिकुलर मास 64 मिलता है। देखिए मोलिकुलर मास 64 है तो मोलर मास क्या होगा, 64 होगा। गिवन मास 128 ग्राम है, यहां पुट किया 128 ग्राम, तो यहां से देखिए हमें नंबर ऑफ मोल्स क्या मिलते हैं, 2 मोल्स मिलते हैं। ध्यान से देखिए सेकंड पार्ट में हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करने हैं। तो फॉर्मूला नंबर 2 हमें अप्लाई करना होगा, क्या है फॉर्मूला नंबर 2, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। देखिए पार्टिकल्स का नंबर क्या है, यहां से नोट करते हैं, पार्टिकल्स का नंबर है 24.088 इंटू 10 रेज टू पावर 23। पार्टिकल्स का नंबर ये है 24.088 इंटू 10 रेज टू पावर 23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। देखिए 10 रेज टू पावर 23 से 10 रेज टू पावर 23 कैंसिल हुआ, 6.022 से 6.0224 जा क्या मिलता है, 24.088। यानी नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, 4 मोल्स होंगे। सेकंड पार्ट का आंसर क्या मिलता है, 4 मिलता है। थर्ड पार्ट का क्या आंसर होगा, हमें 136.2 लीटर्स गैस गिवन है एसटीपी कंडीशन पर, कार्बन मोनोक्साइड गैस है एसटीपी कंडीशन पर। तो अगर आपको वॉल्यूम गिवन हो एसटीपी कंडीशन पर, इसके लिए फॉर्मूला नंबर 3 आपके पास है, इसके लिए हमें फॉर्मूला नंबर 3 को देखिए किस प्रकार से अप्लाई करना होगा। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होंगे, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला नंबर 3 नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.7। और देखिए एसटीपी कंडीशन पर वॉल्यूम लीटर में आपको क्या गिवन है, एसटीपी कंडीशन पर वॉल्यूम लीटर्स में गिवन है 136.2 लीटर्स। देखिए 22.7 6 का क्या होगा, 136.2 होगा। कितने मोल्स होंगे, ये होंगे 6 मोल्स, ये होगा इसका फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूं आपने फॉर्मूला 1, 2, 3 को अप्लाई करते हुए, मास नंबर ऑफ पार्टिकल्स वॉल्यूम को पुट करते हुए आसानी के साथ नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर लिया है। देखिए अब एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ मेनी मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 108 ग्राम ऑफ वॉटर। हमें नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं और मास गिवन है, यानी पार्टिकल्स की बात करनी है और हमारे पास मास है। इसके लिए हमें फॉर्मूला 1 एंड फॉर्मूला 2 को अप्लाई करना होगा, इस प्रकार से मास को रिलेट कर पाएंगे नंबर ऑफ मोल्स के इन 2 फॉर्मूलास की हेल्प से। किसे रिलेट कर पाएंगे, हम रिलेट कर पाएंगे मास को नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ मोलिक्यूल से। ये हमारे पास फॉर्मूला नंबर 1 है और ये हमारे पास नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। ये हमारे पास फॉर्मूला नंबर 2 है, यहां हमें क्या पुट करना होगा, यहां पर हमें मास पुट करना होगा 108। मोलर मास क्या है, देखिए एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 है इंटू 2, 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, ऑक्सीजन का नंबर क्या है 1 है इंटू 1, यहां से हमें मोलिकुलर मास 18 मिलता है। तो मोलर मास क्या होगा, ये 18 होगा, 18 6 जा, यहां से देखिए नंबर ऑफ मोल्स क्या मिलते हैं, 6 मिलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स 6 हैं, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स एवोगैड्रो नंबर से 6 को मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिलते हैं 6 इंटू एन ए, ये 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23,
और क्या है, ये तो एवोगैड्रो नंबर एनए है। एनए को इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, ये होगा इसका फाइनल आंसर। और फर्दर कैलकुलेशन करनी है तो एनए को 6.022 × 10⁻²⁰ पुट करने के बाद आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमने मास को पुट किया और नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें पार्टिकल्स को पुट करना है और मास को कैलकुलेट करना है। जी हां, नंबर ऑफ मोल्स के जो 2 फॉर्मूलाज हैं 1 और 2, इनको इक्वेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एनए और गिवन मास बाय मोलर मास, और मास बाय मोलर मास, मास गिवन नहीं है इस केस में, तो मास बाय मोलर मास किसके इक्वल होगा, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एनए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एनए के इक्वल होगा। मास हमें कैलकुलेट करना है, मास ऑफ N2O, मोलर मास ऑफ N2O यहां पर पुट करना होगा। मोलर मास ऑफ N2O क्या है, आइए इसकी बात करें, यह है 14 × 2, नाइट्रोजन 2 है, एटॉमिक मास 14 है, 14 × 2 प्लस ऑक्सीजन 1 है, एटॉमिक मास 16 है, 16 × 1, यहां से हमें मोलर मास 44 मिलता है, यहां पुट किया मोलर मास 44। राइट साइड नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3.011 × 10⁻²³, एनए 6.022 × 10⁻²³, 10⁻²³ से 10⁻²³ कैंसिल हुआ, 3.011 दूसरा क्या होगा, 6.022 होगा। यहां से देखिए मास ऑफ N2 क्या मिलता है, मास ऑफ N2 यहां से मिलता है 44 × 1/2, दैट इज 22 ग्राम, ये होगा इसका फाइनल आंसर। यानी हमें पार्टिकल्स का नंबर गिवन हो तो मास कैलकुलेट कर सकते हैं और मास गिवन हो तो पार्टिकल्स का नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही वॉल्यूम को मास से, वॉल्यूम को पार्टिकल के नंबर से रिलेट किया जा सकता है। अगर आपको वॉल्यूम गिवन है तो हम फॉर्मूला नंबर 3 से फॉर्मूला नंबर 1 को इक्वेट करते हुए आसानी के साथ मास कैलकुलेट कर पाएंगे। और अगर आपको वॉल्यूम गिवन हो और पार्टिकल्स का नंबर कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला नंबर 3 एंड फॉर्मूला नंबर 2 को इक्वेट करने से आसानी के साथ नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन वॉल्यूम से कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इसी के साथ नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन में आज इतना ही। देखिए हायर कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा, हमने एटम्स के नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने अब सीख लिए हैं। फॉर्मूलाज वही हैं, 3 फॉर्मूलाज हैं, उन्हीं फॉर्मूलाज की माया को यूज करते हुए बेहतरीन अंदाज में नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो डरना बिल्कुल नहीं है, पूरी हिम्मत रखनी है, पूरा जोश मेंटेन रखना है और बड़ी सी स्माइल के साथ। चलिए आज मैं विदाई लेता हूं, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद मी, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।